राधे मेरे स्वामिनी, मैं राधे को दास, राधे मेरे स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोह दीजियो, श्री वृंदावन वास, श्री वृंदावन वास, राधा तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या कीन, तीनों लोक के नाथ है, सो तेरो आधीन, सो तेरो आधीन, जय राधा माधव कुंज बिहारी, 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 यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीर वन चारे, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज
यहाँ पर भगवान रामचंद्र विराजमान है और राम ही कृष्ण है, कृष्ण ही राम है, तो आज हम राम धुन गाएंगे, ठीक है। श्रीराम जय राम जय जय राम गाइए, श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम भाव से श्री राम जय राम जय जय राम हमी आत्मा प्रभु जोर से जय राम श्री राम जय राम जय जय राम दशरथ नंदन राजा राम कौशल्या नंदन सीता राम कौशल्या नंदन सीतारा श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम भद्रगिरीश्वर राजा राम भद्रगिरीश्वर राजा राम गंगा तुलसी शाली गंगा तुलसी शालीग्राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय कृष्ण हरे राम 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 कृष्ण हरे जय जय राम कृष्ण हरे 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 जय हो राम कृष्ण
जय जय राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि बावसे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 गाइए हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 गाइए हरे राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 दूसरी संपत्तियो रकमाने नाम महा धन है अपनो नहीं दूसरी संपत्तियो रकमानी छोड़ यटारी यटा जग की हमको कोटिया ब्रिज माही बना दे हमको हमको कोटिया ब्रिज माही बना मिले रसिको की सदा और पीवन को
यमुना जल पानी टूक मिले रसिकों की सदा और पी बन को यमुना जल पानी हमें यौरन की परवाह नहीं ठकुरानी श्री राधिका रानी अपनी ठकुरानी श्री राधिका रानी श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय श्री श्री राधा श्याम सुंदर जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा जय जगन्नाथ हम गौर निताय जय गुर निताय गुर निताय जय गौर निताय जय शिशि गौर प्रभुपाद 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 शिल प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद 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 जय जय धर्म हरि नाम संकीर्तन के ग्रंथ राज श्रीमद भागवतम महापुराण के शिल प्रभुपाद की निदाई गौर प्रेमानंद वंशी विभो शितकरा नवनीरदाबा पीतांबर दरुण बिंबपल दरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखा अरविंद नेत्रा कृष्णात् परम किमपि तत्व अहम् न जाने करारविंदे न पदारविंदम् मुखारविंदे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् बालं मुकुंदं मनसा स्मरामि अग्रे करुणा मत पांडवाना
दुशासनेना हतवस्त्रकेशा कृष्णात्तदाक्रोशदनन्य नाता गोविंद दामो धर्माधवेति गृहे गृहे गोप वधु कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाययोगम् पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यम् गोविन्ददामो धर्माधवेति ॐ नमो भगवते वासुदेवाय बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर श्री बाल कृष्ण लाल की जय हो गोवर्धन नाथ की हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे उपस्थित भगवत कथानुरागी भक्तवृंद इस सभा को सुशोभित करने वाले श्री मंगल मंदिर एवं अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के वरिष्ठ भक्तगण दूर दूर से पधारे हुए अतिथि मेहमान महानुभाव एवं आधुनिक उपकरण इंटरनेट आदि के माध्यम से इस कथा का श्रवण करने वाले देश विदेश के समस्त श्रोतागण श्रीमद् भागवत कथा के षष्ठ दिवस में पुनः एक बार आप सबका स्वागत एवं आप सबके चरणों में हमारा प्रणाम।
श्रीमद् भागवत श्री कृष्ण जन्म एवं बाल लीला परम सौभाग्य से विभूषित हम सब यहाँ पर एक छत के नीचे बैठकर भगवान के चरण कमलों में उपस्थित होकर उन्हीं की लीला उन्हीं के गुणानुवाद करने का अवसर आज हम सबको मिला है। वास्तव में यही जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है, यही जीवन का सबसे श्रेष्ठ कार्य है। यस्टरडे कल हमारा इस कथा के मुख्य यजमान नवीन भाई पारिक के घर पर जाना हुआ और पूज्य राधा जीवन प्रभु ने उन्हें भागवत भेंट किया। जैसे भागवत किसी के घर पर आता है तो मानो भगवान घर पर आ रहे हैं। भागवत की सेरेमनी होती है तो विधि के अनुसार मैंने भागवत का प्रथम स्कंद उठाया और खोला तो मेरे सामने भागवत का दिव्य श्लोक प्रकट हुआ। उस श्लोक में लिखा था, धर्म स्वनुष्ठित पुंसाम विश्वक्सेन कथासु यह न उत्पादयेत यदि रतिम श्रम एव ही केवलम। धेनुमती नदी के तट पर, श्री गोमती नदी के तट पर सूत जी समस्त ऋषि मुनियों के माध्यम से हम सबको एक सिद्धांत बता रहे हैं। धर्म स्वनुष्ठित पुंसाम, हमारे जीवन में जितने भी धर्म है, धर्म के बहुत सारे अर्थ होते हैं। इस श्लोक में धर्म का मूल अर्थ है कर्तव्य, रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम सब मनुष्य हैं और मनुष्य में भी गृहस्थ है, संसारी है, तो हम सब मनुष्यों की बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बहुत सारे कर्तव्य होते हैं और हम सबको अपने अपने कर्तव्य निभाने चाहिए। कुछ लोग भक्ति के नाम पर अपने कर्तव्यों को छोड़ देते हैं, ये अपना और अपने गुरु का, यहां तक मेरे कृष्ण का नाम बिगाड़ते हैं। यदि हम हमारे भौतिक जीवन के भौतिक कर्तव्यों को ही ठीक से नहीं निभाएंगे तो आध्यात्मिक भगवान और गुरु के कर्तव्यों को क्या खाक निभाएंगे? क्या आशा रखी जा सकती है उन लोगों से जो अपने स्वाभाविक कर्तव्य, अपने संसारिक कर्तव्यों को नहीं निभाते? कर्तव्य को निभाए। अर्जुन कुरुक्षेत्र की रणभूमि से अपने कर्तव्य को छोड़कर भाग रहा था, भगवान ने जबरदस्ती रथ पर बिठाया, अर्जुन तुम क्षत्रिय हो और क्षत्रिय का धर्म है युद्ध करना, तुम युद्ध करो। कर्तव्य, यदि हम गृहस्थ हैं, यदि कोई पति है तो अपनी पत्नी का पालन करना, बच्चों का भरण पोषण करना, ये पति का कर्तव्य है। यदि हम पत्नी हैं तो सभी ओर से पति को सुखी करना, पति की सेवा करना, सास ससुर की सेवा करना, बच्चों को संस्कार देना, ये पत्नी का कर्तव्य है। यदि हम बेटे हैं तो बच्चे का कर्तव्य है माता पिता को प्रसन्न करना, उनके नाम को आगे बढ़ाना, हम सब के कर्तव्य है। और इन कर्तव्यों को निभाकर आगे बढ़ना है, इसलिए भगवान ने वर्णाश्रम धर्म बनाया। तो धर्म स्वनुष्ठित पुंसाम, कर्तव्य को निभाना है।
परंतु कर्तव्य को निभाते निभाते साथ ही साथ भगवान का भजन करना है। जैसे गीता में कृष्ण ने अर्जुन से कहा, ये अर्जुन युद्ध करो, परंतु कैसे? माम अनुस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो। मैं कई बार सोचता हूं कृष्ण ने कैसा कह दिया, माम अनुस्मर युद्ध च। यदि युद्ध करते करते कृष्ण का स्मरण करने जाए तो वहां तो दसों दिशा से बाण आ रहे हैं, दो पांच बाण लग जाए। लेकिन कृष्ण ने क्या कहा, मेरा स्मरण करो, युद्ध करो, तुम्हारी रक्षा करना ये मेरा काम है। ये प्रश्न हमारे जीवन में भी हो सकता है, भगवान का स्मरण करके बिजनेस करे या जॉब करे तो जॉब का काम कैसे पूरा होगा, बिजनेस में सफल कैसे होंगे। लेकिन यदि हम भगवान का स्मरण करते हुए जॉब करे बिजनेस करे तो उनमें सक्सेस दिलाना ये कृष्ण का काम है। यदि हम कृष्ण के नाम पर तो कृष्ण हमारे काम पर, ये सीधा सिद्धांत है। नरसिंह मेहता को उनकी पत्नी ने भेजा, जाओ पिताजी का श्राद्ध है, घी लेकर आओ। नरसिंह मेहता तपेली लेकर घी लेने गए। हमें तेली दी तपेली हाथ रे, धरणी धरनु ध्यान धरी, मुख गोविंद गोविंद गोपाल बोल, धरणी धरनु ध्यान धरी। हाथ में तपेल लेकर नरसिंह मेहता जूनागढ़ की बाजार में निकल पड़े हैं। बनिए तो बनिए होते हैं, मेहता जी का स्वागत करते, मेहता जी आइए आइए पधारिए, क्या दूं ये दूं वो दूं। नरसिंह मेहता कहते थे 2 किलो घी चाहिए, बोले बहुत बढ़िया घी है। जैसे ही घी देने जाते नरसिंह मेहता ने कहा, लेकिन उधार चाहिए। बनिए तो बुद्धिमान होते हैं, ना कैसे कहे, बोले मेहता जी घी तो मैं 2 क्या 4 किलो दे सकता हूं, लेकिन कल मेरे घी में एक छिपकली गिर गई थी। नरसिंह मेहता ने कहा कि नहीं है तो हमें ठाकुर जी को चढ़ाना है, ऐसा घी नहीं चाहिए। बहुत सारी दुकान पर घूमे, लेकिन कल का इतिहास भक्तों, जूनागढ़ की बाजार ने नरसिंह को घी नहीं दिया। फिर क्या कहते हैं, एक वैष्णव जननु हाट रे, धरणी धरनु ध्यान धरी, मुख गोविंद गोविंद गोपाल बोल, धरणी धरनु ध्यान धरी। घी खोज रहे थे तो एक वैष्णव जननु हाट रे, एक वैष्णव की दुकान थी, और वैष्णव का अर्थ तो आप जानती होंगे, वैष्णव जन तो तेने कहिए हैं जे पीड़ पर आई जाने। वैष्णव किसे कहते हैं, जो बड़ा बड़ा तिलक खींचते हैं, जो लंबी लंबी शिखा रखते हैं, जो धोती कुर्ता पहनते हैं, ये वैष्णव है? नहीं, कपड़ों से कोई वैष्णव नहीं होता, गुणों से होता है। और वैष्णव का इमीडिएट प्रथम गुण क्या है, वे दूसरों की पीड़ा को समझता है। जो पराई पीड़ को समझे और उसे दूर करने का पूरा पूरा प्रयास करे उसे वैष्णव कहते हैं। और ऐसे ही एक वैष्णव का हाट, हाट माने दुकान। मेहता जी उस वैष्णव की दुकान में गए, निवेदन किए, और अब तो पहले ही बता दिए, घी लेने आया हूं लेकिन उधार चाहिए। ये तो वैष्णव की दुकान थी, वो तो पर पीड़ा समझने वाले। बोले मेहता जी कोई बात नहीं, उधार तो उधार लेकर जाइए, लेकिन एक काम करना होगा। बोले क्या? बोले एक भजन सुनाना होगा। नरसिंह मेहता हमारे मधुसूदन प्रभु की तरह करताल जेब में ही रखते थे,
बस कोई बोल दे के कीर्तन करो तो करताल निकाला और भजन शुरू। तो मेहता जी एक भजन सुनाना होगा, नरसिंह ने तुरंत अपना करताल निकाला और भजन गाने लगे। बात कुछ ऐसी हुई, ये जब शुरू करते थे तो तुकाराम की कथा मैंने सुनाई ना, 5 बजे शुरू किया तो रात को 2 बजे तक, तो इन्होंने भजन शुरू किया। भजन गाते 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 दोपहर को निकले थे, रात हो गई और वहां पिताजी का श्राद्ध था। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा, यदि हम भगवान के नाम पर तो भगवान हमारे काम पर। नरसी भगवान के नाम पर नाच रहे थे और नरसी भगवान का नाम ले और भगवान नरसी के नाम को अधूरा छोड़े, नरसी के काम को अधूरा छोड़े। भक्तों घटना तो ऐसी घटी कि अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान कृष्ण नरसी मेहता का रूप लेकर प्रकट हुए। नरसी मेहता तो भजन कीर्तन कर रहे थे लेकिन यहां कृष्ण नरसी का रूप लेकर घर पर गए और पत्नी ने बहुत डांटा भगवान को। भगवान ने सोचा, यार आज तक लक्ष्मी ने मुझे नहीं डांटा, राधा ने नहीं डांटा, ये तो तुम्हें कुछ बुद्धि नहीं है, सुबह से भेजा था, अभी आए, ब्राह्मण आते ही होंगे, उनको भोजन कराना होगा, अब क्या बनाएंगे कैसे बनाएंगे। तो ये तो भगवान थे नरसिंह मेहता का रूप लेकर। बोले, देवी जी चिंता मत करो, मैं बहुत सारे महाराज रसोई बनाने वाले महाराज को लेकर आया हूँ। एक ताली बजाई तो लाइन लग गई, बहुत बड़ा रसोई घर शुरू हुआ और बड़े बड़े बर्तन और सुंदर सुंदर सुगंध आने लगी। आज तो मेहता जी की पत्नी सोच में पड़ गई, इसको लॉटरी लगी है, हुआ क्या, ये सबको कहाँ से लेकर आए। ब्राह्मणों की जमात लग, नरसी के घर से इतनी सुगंध आने लगी, ब्राह्मणों की लाइन लग गई। नरसिंह मेहता ने कहा अपनी पत्नी को, जरा सबको सोने के पात्र बिछा दो। ये तो बेहोश होकर गिर गई। बोले, पत्थर के वांधे हैं और ये सोने की थाली बिछाने के लिए कह रहे हैं। लेकिन ये तो लक्ष्मीनाथ थे, कहां जानती थी। तो नरसिंह मेहता ने सबको सोने की थाली दी और सुंदर सुंदर भोजन पकवान पिरसे गए और आज ब्राह्मणों ने बिल्कुल दबा दबा कर खाया है। वर्णन तो यहां तक है, ब्राह्मण भोजन कर लिए और जूठी थाली जब उठाए, बोले ये कहां धोना है, तो भगवान ने कहा कि ये आपके घर लेकर जाना है। ब्राह्मण तो नाचने लगे, सोने की थाली घर पर। और इन लोगों ने इतना खाया था, इतना खाया था, जूते नहीं मिल रहे थे, क्योंकि जूता ढूंढने के लिए झुकना तो पड़ता है, पेट आगे आ रहा था। कुल मिलाकर श्राद्ध तो बहुत बढ़िया हुआ। मेहता जी की पत्नी ने कहा, लेकिन ये सब हुआ कैसे, ये तो बताओ। मेहता जी ने कहा, मैं स्नान करने जा रहा हूं, मैं वापस आकर बताऊंगा। भगवत स्वरूप भगवान नरसी के रूप में स्नान करने गए और वहां भजन करते करते वो बाबा जी को होश आया कि मैं तो घी लेने आया था, घी लेने आया था, होश आया, घी का पात्र लेकर वापस लौटे। और चिंता थी, टेंशन था कि पत्नी डांटेगी। और घर पर पहुंचे तो पत्नी चरणों में गिर गई, वाह महाराज वाह, मान गई आपको। बोले, बोल क्या रही है। बोले, क्षमा कर दो, मुझे आने में देरी हो गई। बोले, देरी कहां से हुई, इतना अच्छा श्राद्ध किया आपने, ये आप इतनी सोने की थाली, इतना सारा धन संपत्ति, ये सब कुछ कहां से लाए। नरसिंह मेहता सोच में पड़ गए, ये बोल क्या रही है। फिर सोचा कि मैं भगवान का नाम गा रहा था, निश्चित भगवान मेरा काम करने के लिए आए होंगे। कहा, मैती, वो मैं नहीं था। बोले, आप नहीं थे तो कौन था। बोले, जिनका रात दिन में भजन करता हूं, अखिल ब्रह्मांड नायक मेरा ईश्वर, वो मेरा कृष्ण था। कृष्ण था, इतना सुनकर
नरसिंह मेहता ने पहले तो यह कहा कि तू मुझे हर समय डांटती रहती है, देवी तूने उसे डांटा तो नहीं है ना? बोले मैंने तो बहुत डांटा। बोले वो कहां गए? बोले अभी भी कहकर गए कि मैं स्नान करके आता हूं। नरसिंह मेहता दौड़ कर गए भगवान को खोजने के लिए। मुझे जो आपसे कहना था, कथा तो ये सब बहुत लंबी चौड़ी है, लेकिन मैं ये कह रहा था, यदि हम भगवान के नाम पर तो भगवान हमारे काम पर। इसलिए धर्म स्वनुष्ठित पुंसाम विश्वक सेन कथा सुया। यदि हम हमारे भौतिक जीवन के कर्तव्य को कितना भी अच्छे तरीके से निभाए, परंतु यदि हमारी भगवान की कथा में रुचि उत्पन्न नहीं होती है, कहते हैं विश्वक सेन कथासु यह न उत्पादयेत यदि रतिम। जीवन के कर्तव्य कितने भी परफेक्ट तरीके से निभाए, लेकिन भगवत कथा में रुचि उत्पन्न न हो तो जीवन में किए हुए सारे कर्तव्य श्रम एव ही केवलम, मात्र श्रम है जिसका कोई लाभ नहीं है, कोई लाभ नहीं। अतः जीवन के प्रत्येक कार्य के पीछे भगवत कथा में रुचि उत्पन्न होनी चाहिए। हम जीवन के जो कार्य करते ना, वह कार्य सफल है या नहीं कैसे पता चले? हमारे कार्य की सफलता का मीटर क्या है? मीटर यही है कि कार्य के बाद भगवत कथा में रुचि हो रही है कि नहीं, भगवान में या भगवत कथा में हमारा मन लग रहा है कि नहीं, यही है बैरोमीटर। तब आपके मन में प्रश्न होगा कि हम जीवन के कार्य किस प्रकार से करें ताकि हमारा मन भगवान में लगे, हमारा मन भगवान की कथाओं में लगे। तो महात्माओं ने बड़े गूढ़ रहस्य के रूप में यह बात बताई कि जब तक भगवान से संबंध नहीं जोड़ेंगे, जब तक भगवान से संबंध जोड़कर उनकी सेवा नहीं करेंगे, या जब तक भगवान के उद्देश्य के लिए हम जीवन के कार्य नहीं करेंगे, तब तक भगवान की कथा में या भगवान में रुचि उत्पन्न नहीं होगी। इसलिए जीवन के कोई भी कार्य भगवान को सेंटर में रखकर या भगवान को माध्यम बनाकर करने चाहिए। तो परम सौभाग्य है कि आप लोगों की रुचि आज भगवत कथा में है। इसका अर्थ है कहीं ना कहीं आप लोगों ने भगवान से संबंध जोड़ा है, कहीं ना कहीं आप लोगों का भगवान से कुछ प्रेम है। इसलिए इतनी भारी मात्रा में आप सब भगवान के विषय में सुनना चाहते हैं, और इस प्रकार से भगवान के विषय में सुनते सुनते यह प्रेम, यह रुचि और बढ़ती है। हम यहां पर कृष्ण की बड़ी मधुर बाल लीला का श्रवण कर रहे हैं। गत सत्र में हमने सुना पुतना नाम की राक्षसी आई कृष्ण को जान से मारने के लिए, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने पुतना को तार दिया। कहते हैं पुतना का शरीर 3 कोस लंबा चौड़ा था, 7 कोश 18-20 किलोमीटर लंबा चौड़ा पुतना का शरीर था, और कृष्ण 6 दिन के बालक, उसे उठाकर पुतना भागी, कृष्ण ने उनके प्राण पिए, पुतना धरती पर गिरी।
पुतना के गिरते ही ब्रज में बहुत बड़ा आवाज हुआ, सब लोग दौड़ कर आए। यशोदा रोहिणी आई और यशोदा देवी ने पुतना राक्षसी के शरीर पर कृष्ण को देखा, वो देखकर ही मूर्छित हो गई। अन्य गोपियां जैसे तैसे पुतना के शरीर के ऊपर चढ़कर कृष्ण को उतारा और यशोदा के गोद में लाकर रखा। यहां पर प्रश्न किया गया, क्या उन गोपियों को डर नहीं लगा इतनी बड़ी राक्षसी के ऊपर जाकर कृष्ण को उतारना? गोपियों का प्राण कृष्ण थे और कृष्ण संकट में यह गोपियां देख नहीं सकती। यशोदा के गोद में कृष्ण को रखा, यशोदा को होश आया। यशोदा ने बहुत प्रकार से कृष्ण की रक्षा की, ब्राह्मणों को बुलाया, स्वस्ति वाचन कराया, गोमूत्र आदि से कृष्ण को स्नान कराया और अनेक प्रकार के मंत्रों से कृष्ण की रक्षा की। यह देवता कृष्ण के आंखों की रक्षा करे, यह देवता कृष्ण के मस्तक की रक्षा करे, यह देवता कृष्ण के हाथों की रक्षा करे। यद्यपि ये सभी देवताओं की रक्षा करने वाले कृष्ण हैं, लेकिन हमारे ब्रज में कृष्ण के प्रति इतना प्रगाढ़ वात्सल्य है कि कृष्ण कितना ही बड़ा पराक्रम करे, ब्रजवासी को तो यही लगता है कि कृष्ण हमारा लाला है। 11.5 वर्ष तक कृष्ण ब्रज में रहे, लेकिन एक पल के लिए भी किसी ने यह नहीं सोचा कि यह भगवान है। यह माधुर्य इतना प्रगाढ़ था कि ऐश्वर्य ढंक गया। इवन पुतना को मारा, फिर भी ब्रजवासियों को यही लगा कि भाई ये तो देवताओं की कृपा है, देवताओं ने बचा लिया। अगासुर बकासुर मारा, कालिय नाग का दमन किया, तो ये सारा श्रेय देवताओं को गया, कृष्ण को किसी ने श्रेय नहीं दिया। बोले ये तो हमारा लाला है, कृष्ण को कोई, क्योंकि वात्सल्य प्रगाढ़ है। तो कृष्ण की अनेकों प्रकार से रक्षा की गई और अंत में मां यशोदा ने कृष्ण को अपना स्तनपान कराया और कृष्ण को नींद आई। तब यशोदा को शांति हुई कि बच्चा स्वस्थ है। दूध पीने के बाद जब नींद आ जाए तो समझो कि स्वस्थ है। यहां दूसरी ओर नंद बाबा, सुबह हो चुकी थी और नंद बाबा मथुरा से चले थे, आपने सुना ना नंदपति वचेश्वर, तो नंद बाबा गोकुल पहुंच गए। गोकुल पहुंचे और इतने बड़े शरीर को देखा, पर्वत के समान शरीर था। कुछ समय के लिए नंद बाबा को हुआ कि हम एड्रेस तो नहीं भूल गए, हम किसी और गांव में तो नहीं आ गए। लेकिन जैसे ही गांव के निकट पहुंचे, सारे ब्रजवासी गण नंद बाबा के पास और सारी घटना सुनाई और सुनाते हुए कहा कि लेकिन कृष्ण को कुछ नहीं हुआ, नंद बाबा को शांति हुई। नंद बाबा राजा थे, कहा महाराज इतनी लंबी चौड़ी पुतना का अब क्या किया जाए। नंद बाबा ने कहा एक काम करो, इतने बड़े शरीर को तो कैसे जला सकते हैं। नंद बाबा ने 1000 फरसू मंगाए और उस फरसू से पुतना के शरीर के टुकड़े किए गए। अब आप इमेजिन कीजिए, पुतना के पांव का अंगूठा हम मनुष्य से भी बड़ा होगा, तो चिता बना बनाकर पुतना के 1000 चिताएं बनी और पुतना के शरीर को जलाया गया। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी, जब पुतना का शरीर जलाया गया तो उनकी चिता से जो धुआं निकला, उस धुएं से अगरु की सुगंध आने लगी। अगरु जानते हैं, अगरु एक सुगंधित पदार्थ है जिसे अगरबत्ती बनती है। लेकिन आजकल ये चाइना वालों ने और ये जो शुरू किया है, ये सुअर के मल से अगरबत्ती बना रहे हैं। आजकल अगरबत्ती में भी मिलावट आने लगी है, इसलिए अगरबत्ती भी सोच समझकर खरीदनी चाहिए। तो
अगरु से अगरबत्ती बनती है, अगरु में बहुत सुगंध होती है। पूतना के शरीर को जलाया गया तो अगरु की सुगंध आने लगी। महाराज परीक्षित ने प्रश्न पूछा कि सुखदेव जी, ये पूतना तो लोगों का मांस खाती थी, खून पीती थी, ये राक्षसी थी, मदिरा पीती थी, ऐसी राक्षसी को जलाने पर अगरु की सुगंध क्यों आने लगी? हम लोग देखते हैं साधारण मनुष्य को जलाया जाए तो भी उनकी चिता से बदबू आती है, और राक्षसी को जलाने पर अगरु की सुगंध, कारण क्या है? तब सुखदेव गोस्वामी ने कहा, परीक्षित, यद्यपि ये राक्षसी है, रुधिराशना, खून पीने वाली, मांस खाने वाली, मदिरा पीने वाली, ये पूर्ण रूप से पापी है, डाकिनी है, दुष्टा है, लेकिन भगवान कृष्ण ने उनको स्पर्श कर लिया, इसलिए पूतना जैसी राक्षसी भी पवित्र हो गई। गीता में कृष्ण अर्जुन कहते हैं, पवित्रम परमं भवान, भगवान कृष्ण परम पवित्र है, पापी से पापी व्यक्ति भी कृष्ण का स्पर्श करे तो वह पवित्र बन जाता है। अरे कृष्ण की बात छोड़िए, कृष्ण के चरणों को स्पर्श होके जो जल निकला उसे हम लोग गंगा कहते हैं। मां गंगा का जल गंगोत्री से बहता है और भारत के अनेकों प्रांतों में बहता है, लेकिन गटर का पानी यदि गंगा में मिल जाए तो वह गटर भी गंगा बन जाती है। ये तो भगवान है, कितना हूं पापी व्यक्ति भगवान का स्पर्श करे तो वह पवित्र हो जाता है। और कलयुग में भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है। इस कलयुग में कितना भी पापी, जैसे पापी पूतना ने कृष्ण को स्पर्श किया पवित्र हो गई, वैसे इस कलयुग में कितना हूं पापी कृष्ण को नहीं, कृष्ण के नाम को स्पर्श करे तो वह भी परम पवित्र बन जाता है। इसलिए इस कलयुग में भगवान के नाम को लेने का विधान है। सुखदेव गोस्वामी ने अनेकों श्लोक कहे कि भगवान कृष्ण का स्वभाव कितना सुंदर है, कि इतनी बड़ी राक्षसी कृष्ण के पास आई और अपना दूध पिलाना चाही, कृष्ण ने वह दूध पिया, पूतना को सौभाग्य दिया। और इतना ही नहीं, पूतना को अपने धाम वैकुंठ में ले भे गतिम धात्री, पूतना को अपनी मां बना लिया। महाराज परीक्षित सुखदेव जी से कहते हैं, सुखदेव जी, पूतना में ऐसा कौन सा गुण था जिसको देखकर कृष्ण ने अपनी मां बना लिया? सुखदेव, अब ध्यान से, अभी ये प्रसंग हमारे काम की चीज है। किस गुण को देखकर कृष्ण ने पूतना को अपनाया? सुखदेव जी कहते हैं, पूतना में तीन गुण थे और वह तीन गुण को देखकर कृष्ण ने पूतना को, इतनी बड़ी राक्षसी को, मां बना लिया। वह तीन गुण कौन से? सबसे पहले कहते हैं कि पूतना का प्रथम गुण कि पूतना जो भी हो चलकर गोकुल में आई थी। भगवान कृष्ण ने देखा कि राक्षसी है, अपने स्तन पर विष लगा कर आई है, मुझे मारने के लिए आई है, जो भी है, लेकिन आई है मेरे पास, चाहे किसी भी भाव से। यदि कोई मनुष्य भगवान के पास जाता है तो भगवान यही सोचते हैं कि ये मेरा आदमी है, और उन पर भगवान कृपा बरसाता है। जैसे यहां पर मंगल मंदिर है और भी अनेकों प्रकार के मंदिर, भगवान के दरबार में किसी भी उद्देश्य से। देखिए, पूतना भगवान को मारने के लिए आई थी, हम लोग मारने तो नहीं आए ना। चलो, भगवान से प्रेम नहीं हो सकता है हमारा, ये समझ सकते हैं, लेकिन भगवान को मारना ये तो हमारा उद्देश्य नहीं है। तो इस प्रकार पूतना का प्रथम गुण कि वे आई थी भगवान के पास।
पूतना में दूसरा गुण क्या देखा कृष्ण ने? यद्यपि था नहीं लेकिन कृष्ण ने वह दूसरा गुण देखा। जो भी हो, पूतना अपने बाल पर तिलक करके आई है, वैष्णव आभूषण धारण करके आई है। पूतना ने ऊर्ध्वपुंड तिलक किया था। तो हमें यदि भगवान को प्रसन्न करना है तो हमें भी तिलक करना चाहिए। और भक्तों, तिलक भी जो शास्त्रों में लिखा है, जो वैदिक पुराणों में जिस प्रकार से जो तिलक लिखा है वह करना चाहिए। कभी कभी कुछ लोग इस तिलक को किसी कंपनी का लोगो समझते हैं कि भाई ये इनकी कंपनी का लोगो है। नहीं, ये जो हम तिलक धारण करते हैं ये शास्त्रोक्त तिलक, इसे ऊर्ध्वपुंड कहते हैं। ये जो यू रेखा है ये भगवान विष्णु का चरण है और उसके नीचे चरणों में तुलसी दल है। और ये तिलक भगवान कृष्ण की 16108 पत्नियों ने कृष्ण के विरह में जिस गोपी कुंड में अपने प्राण त्यागे, उस गोपी चंदन का बना हुआ ये तिलक है। यदि कोई अपने मस्तक पर धारण करे तो गोविंद प्रसन्न हो जाते हैं। साइंटिफिकल रीजन भी है, हमारे शरीर में अनेकों नस है। अपना शरीर में बहुत बड़ी रगो छे, रग रग खबर पड़े ना, पड़े रग। एक बार एक पत्नी बीमार, तो पति एने दवा खाने ले गया, तो डॉक्टरे कीधु कि आने ग्लूकोज नी बॉटल चढ़ावी पड़े। कीधु चढ़ाओ, पण डॉक्टर परेशान। अर्धो कलाक पौणो कलाक थयो, पतिए कीधु शू थयू, शू प्रॉब्लम शू छे? के बाटलो चढ़ाओ पण आनी रग नथी मळती। ओलो पति के मने 50 वर्ष थी नथी मळती, तमने अर्धो कलाक में मळी जाय? हवे रग खबर पड़ी, हमारे शरीर में बहुत रगे हैं, बहुत नसें हैं। साइंस ने तो यहां तक कहा एक मनुष्य की नस को यदि जोड़ा जाए तो पूरे पृथ्वी का परिघ बन जाए, इतनी सारी रगे हैं। तो इन सारी रग, इन सारी नसों का जंक्शन कहां पर है? यहां मस्तिष्क में है। और कभी कभी बहुत टेंशन करते हैं, चिंता करते हैं, तो यहां ट्रैफिक जाम हो जाता है, इसलिए सिर दर्द करता है। तो उस समय गोपी चंदन के द्वारा बने हुए तिलक को यदि हम धारण करते हैं तो सारी नसें शांत हो जाती हैं और भगवान को प्रसन्न करने वाला यह तिलक है। हूँ तो एटलू ज कहूँ कि तिलक नी बहु महिमा, ने तिलक करवु ज जोइए। भागवत में छठे स्कंद में यमराज जी ने एक रिजोल्यूशन पास किया, अपने दूतों को कहा जीवान वक्ति भगवत गुणनाम धेयम चेतस्य न स्मृति तत् चरणारविंदम कृष्णाय नो नमति यत शिर एकदापि। यमराज जी ने कहा कि जो लोग तिलक नहीं करते हैं उन सालों को पकड़ घसीट घसीट कर लाओ, हम उनकी पिटाई करेंगे नरक में। लेकिन याद रहे जो लोग तिलक करते हैं गलती से भी उसके पास मत जाना, और यदि चले गए तो मैं जिम्मेवार नहीं हूं। तिलक की इतनी महिमा है। हूँ तो एटलू ज कहूँ कि भाई आटली आटली महिमा सांभळ्या छताई जो आपणे तिलक न करी शकीए तो कोई वांधो नहीं, पण जे तिलक करता होय एनी निंदा न करवी जोईए। नकर तो अमुक लोको निंदा करता होय, आ लांबा लांबा गाजर जेवा करीने हाली निकळ्या छे, पण मत तमारा खाली जग्यानुं शुं जाय? કપાળ અમારું, તિલક અમારું, એમાં તમારું શું જાય? પણ નહીં, અમુક લોકોને નિંદા કરવી છે। તો પૂતના કા દૂસરા ગુણ, પહેલા ગુણ ક્યાં? કે વો આઈ થી કૃષ્ણ કે પાસ, હે ને, ઓર દૂસરા ગુણ તિલક કરકે આઈ થી। ઓર પૂતના કા તીસરા ગુણ ક્યાં થા? અપને ગલે મે કંઠી પહેન કર આઈ થી। पूतना अपने गले में तुलसी की कंठी पहनकर आई थी और तुलसी को देखकर
कृष्ण बड़े प्रसन्न होते हैं। हनुमान जी महाराज विचरण करते करते लंका में गए और लंका में सीता को बहुत खोजा, नहीं मिली। हनुमान जी की दृष्टि उस लंका में किसी एक घर पर गई जिस घर के प्रांगण में तुलसी लगी हुई थी, और उस समय हनुमान जी के मुख से निकल गया, लंका निशीचर निकर निवासा, लंका निशीचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सत जन कर बासा, यहाँ कहाँ सत जन कर बासा। हनुमान जी ने कहा कि लंका में तो निशाचर रहते हैं। कौन रहते हैं? निशाचर का अर्थ क्या है आप तो सब जानते हैं, मैं तो खाली फुकट बोल रहा हूं। सही बात है, लंका में निशाचर रहते हैं, और निशाचर का अर्थ क्या है जरा जोर से बोलो, क्योंकि अपनी बात अपने पर ही आने वाली है, इसलिए जोर से बुलवा रहा हूं। निशाचर का मतलब क्या है बोलो बोलो, ये बोलो तुम्हें बंगला बोलो। निशाचर माने राक्षस। हमारे वेदों में शास्त्रों में राक्षसों को निशाचर कहा गया, या निशाचर को राक्षस कहा गया। अब निशाचर के अर्थ को यदि हम समझने का प्रयास करें तो निशा का अर्थ होता है रात, और चर माने विचरण करना। जो लेट नाइट तक निशाचर जो लेट नाइट तक विचरण करते हैं और लेट नाइट तक जगते रहते हैं, चाहे फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, या जो भी लेकर बैठे हैं, उन सब को निशाचर कहते हैं। और यदि 10 के दम में पूछा जाए, 10 का दम आता है ना सलमान का, कि कितने प्रतिशत भारतीय निशाचर है, मैं यदि पूछूं तो 99.99 असुर भरे हुए हैं। खैर, तो लंका में तो सब निशाचर हैं, लेट नाइट तक देर तक सोते हैं, यहां कहां सज्जन। लेकिन ये इसके घर पे तुलसी है निश्चित, यहां कोई वैष्णव रहता है। हनुमान जी महाराज बड़े प्रसन्न हो गए, जिसके घर पर तुलसी होती है ना भक्त और भगवान प्रसन्न होते हैं। यहां तक कहा गया जिसके घर पर तुलसी का पौधा नहीं वह घर घर नहीं वह श्मशान है। तुलसी भगवान की प्रिया है, तुलसी भगवान को पसंद है, भगवान का वरदान है कि बिना तुलसी के भगवान कुछ स्वीकार नहीं करते। आप 56 भोग बनाओ, 108 भोग बनाओ और ठाकुर जी को अर्पण करो, और यदि उसमें तुलसी पत्र न रखो तो ठाकुर जी उसे खाने की बात तो दूर ही, उसे देखेंगे भी नहीं। तुलसी की है महिमा। और केवल भोजन ही नहीं, जैसे बिना तुलसी के भगवान भोजन स्वीकार नहीं करते, वैसे बिना तुलसी के भगवान हमें भी स्वीकार नहीं करेंगे। हम चाहते हैं कि भगवान हमको स्वीकार करे, तो हम भी हमारे गले में तुलसी धारण करें, तुलसी की कंठी गले में धारण करें। कुछ लोग कहते हैं ये बात ठीक है तुलसी की कंठी गले में, लेकिन इतनी टाइट क्यों पहनते हैं आप? तो फिर से मुझे वो डायलॉग बोलना पड़ेगा, इतनी टाइट क्यों पहनते हैं? देखिए, इसे कंठी कहते हैं, और कंठी कंठ पर होती है न कि पेट पर। और कंठ पर कंठी पहनने का लाभ क्या है? ये तुलसी यदि कंठ पर है
तो आप जो भी खाते हैं ये तुलसी को स्पर्श होकर जाता है, इनपुट शुद्ध हो जाता है, और जो भी बोलते हैं ये कंठ पर तुलसी को स्पर्श होकर निकलता है, इनपुट आउटपुट दोनों पवित्र हो जाता है, दोनों पवित्र। अधिक तो मैं क्या कहूं, आज से कई वर्ष पूर्व हमारे देश में बड़े बड़े संत हुए, कुछ मुस्लिम संत ऐसे हुए जो जीवन भर तक भगवान कृष्ण का भजन किया है। उनमें से एक बहुत महान संत जिसका नाम था रसखान। रसखान जी वास्तव में रसों की खान थे। उन्होंने जो भगवान के पद लिखे, ऐसी कथा है, ऐसा इतिहास है, सत्य घटना कि ये हम लोग एक कंठी पहनते ना और इसके दो तीन राउंड है। रसखान जी अपने गले में 200 कंठी पहनते थे। कितनी कितनी? 200 कंठी, 200 तुलसी की कंठी रसखान जी पहनते थे। और एक दिन रसखान को उनके राजा के दरबार में प्रस्तुत किया गया, क्योंकि लोगों ने बहुत कंप्लेंट की कि हमारा मुस्लिम कृष्ण का भक्त बन गया है और उसके भगत बनने से बहुत सारे मुस्लिम अब कृष्ण के भक्त बन रहे हैं। तो रसखान जी को उस दिल्ली के दरबार में खड़ा किया गया और उस मुसलमान राजा ने रसखान से कहा, कहा कमी इस्लाम में जो बिसराई आन है। अरे रसखान, ये हमारे इस्लाम धर्म में कौन सी कमी है कि तुमने इस हमारे मजहब को छोड़कर, कुरान कलमा पढ़ना छोड़कर ये हिंदू धर्म स्वीकार कर लिया? कहा कमी इस्लाम में जो बिसराई आन। तब रसखान जी उत्तर देते हैं, मन वैरागी बन गयो सुन मुरली की तान है। ज्यादा तो कुछ नहीं जानता हूं, लेकिन जिस दिन से प्यारे श्याम सुंदर की मुरली सुनी है उस दिन से मेरा मन वैरागी बन गया है। मन वैरागी हो गयो सुन मुरली की तान। चलो ये भी समझ में आया, लेकिन 200 कंठी क्यों पहनता है तू? 200 कंठी क्यों धारण करता है? तो रसखान जी ने इतना ही कहा कि हमारे हिंदू भाई एक ही कंठी पहनते हैं क्योंकि वे बहुत पुण्य, वे बहुत सुकृति करके आए हैं और वे बहुत पुण्यशाली हैं, सुकृतिशाली हैं, इसलिए वे तो एक कंठी पहनकर वैकुंठ प्राप्त कर लेंगे। मैंने तो बहुत पाप किए हैं, बहुत बुरे कर्म किए हैं, इसलिए वैकुंठ जाने के लिए मुझे 200 कंठी पहननी पड़ती है। कबीरदास जी ने तो यहां तक कहा, मन कुत्ता दर दर फिरे, तर तर तुर तुर हो। ये मन जो है ना, कबीरदास जी ने मन को कुत्ता कह दिया। कुत्ते को जानते हैं, यहां तो सब जेन्युइन कुत्ते हैं। अपना भारत ना खहुरिया तुमने खबर है? गलियों के कुत्तों को देखा है? भारत के मोहल्ले में जब बहुत कुत्ते बढ़ जाते हैं तो म्यूनिसिपलिटी की वैन आती है और उस कुत्तों को घसीट घसीट कर लेकर जाती है, और म्यूनिसिपलिटी वाले देखते हैं कि जिस कुत्ते के गले में बेल्ट है, अब कुत्ता अपने हाथों से तो बेल्ट पहन नहीं सकता, कुत्ते के गले में बेल्ट है मतलब किसी ने पहनाया है, अर्थात इसका कोई मालिक है। इसलिए जिस कुत्तों के गले में बेल्ट होता है वे उसे छोड़ देते हैं और बिना बेल्ट वाले खहुरिये को घसीट घसीट कर लेकर जाते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि उस कुत्ते जैसी हालत हम लोगों की है। मृत्यु के समय यमराज के दूत घसीट घसीट कर लेकर जाएंगे,
लेकिन उस समय यदि गले में ये तुलसी की कंठी, ये तुलसी का बेल्ट होगा तो यमराज के दूत सोचेंगे ये तो विष्णु का पालतू है, ये तो विष्णु का है, इस पर हमारा अधिकार नहीं है, वे हमें छोड़ देंगे और बिना कंठी वाले को लेकर चले जाएंगे। इसलिए ये कंठी जो है शरणागति की निशानी है कि हम वैष्णव, हम विष्णु के हैं। तो पूतना के गले में इस तुलसी की कंठी को देखकर भगवान प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर पूतना को अपना लिए। पूतना राक्षसी थी और ऐसी राक्षसी भगवान के पास गई तो भगवान ने उसका उद्धार कर दिया। हम तो मनुष्य हैं। पूतना कृष्ण को मारने के लिए गई थी फिर भी भगवान कृष्ण ने उसे अपना लिया। हम मारने के लिए नहीं, हम तो भगवान का दर्शन करने के लिए जाते हैं, भगवान क्यों नहीं अपनाएंगे। पूतना ने भगवान कृष्ण को विष पिलाना चाहा फिर भी भगवान ने पी लिया। यदि हम भाव से भगवान को माखन मिश्री भोग लगाएंगे तो भगवान क्यों ग्रहण नहीं करेंगे, अवश्य करेंगे, बस हमें करना है। सो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने पूतना का उद्धार किया। हमारे गौड़ीय संप्रदाय में एक बहुत बड़े आचार्य हुए जिसका नाम था ठाकुर भक्ति विनोद। और ठाकुर भक्ति विनोद कहते हैं कि ये पूतना कौन है, ये एक प्रसंग, एक लीला को लेकर सिद्धांत समझाते हैं। पूतना जो है डुप्लीसिटी अर्थात अपना रूप बदल कर आई थी। ठाकुर भक्ति विनोद कहते हैं इस कलयुग में कई सारे गुरु लोग अपना रूप बदल कर, कई सारे पूतना जैसे पाखंडी लोग अपना रूप बदल कर, ये पाखंडी साधुओं का रूप लेकर संसार को लूट रहे हैं। जैसे पूतना एक राक्षसी थी लेकिन गोपी ड्रेस पहनकर कृष्ण को मारने के लिए आई, वैसे इस संसार में कई सारे पाखंडी लोग साधु गुरु का वस्त्र पहनकर दुनिया को लूटने का काम करते हैं। हमें ऐसे लोगों से बचना होगा, ऐसे लोगों से बचना होगा। इसलिए हमें जांचना होगा, हमें हमारी बुद्धि लगानी होगी कि हम जिसके मुख से सुन रहे हैं, हम जिनकी संगति कर रहे हैं, हम जिसको फॉलो कर रहे हैं, वे कहीं बनावटी तो नहीं। पूतना की तरह बनावटी तो हमारे पास नहीं आया है, नहीं तो हमारा जीवन बहुत बड़ा धोखा बनकर रह जाएगा। हमारे देश में कहावत है पानी पीओ छान के गुरु करो जान के। पानी कितना छान कर पीते हैं लेकिन गुरु किसी को भी बना लेते हैं। भगवान ने यह बुद्धि दी है ये निश्चय निष्कर्ष निकालने के लिए कि सत क्या है, असत क्या है, शुद्ध क्या है, अशुद्ध क्या है। तो इस प्रकार से पूतना का ये प्रसंग है। भगवान श्री कृष्ण ने पूतना का उद्धार किया। आइए अब अगली लीला हम सुने, उसके पहले खड़े होकर 3 मिनट के लिए कीर्तन करेंगे भाव से। तो ઉતરવું તો પડશે, તમે કીર્તન કરાવો છો મને દુખે છે, હું પેલા ચાલુ કરાવી દઉં છું। હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ હરે રામ राम राम हरे 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 कृष्णा जय हो।
राम राम हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Hare Bolo Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Rama 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 Hare Hare